पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 15 साल की एक हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया गया। यह घटना हैदराबाद कस्बे में हुआ। जी हां, कुछ दिनों पहले ही 3 हिंदू महिलाओं का अपहरण कर उन्हें जबरन इस्लामिक धर्म कबूलने पर मजबूर किया गया। अपहरित लड़की के परिजनों के अनुसार चंद्रा महराज का हैदराबाद के फतेह चौक इलाके से अपहरण किया गया। उस वक्त वो घर लौट रही थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज की है, लेकिन लड़की का अब तक पता नहीं चल पाया। इस घटना से साबित होता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं का दमन लगातार जारी है। इससे पहले 24 सितंबर को 14 साल की मीना मेघावर का नसरपुर इलाके से अपहरण किया गया था। मीरपुर खास में भी एक अन्य लड़की का इसी तरह अपहरण किया गया था। जी हां, पाकिस्तान की आबादी में 3.5% हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक हैं। इस इस्लामिक देश में उनके साथ क्रूरता, हिंसा और दमन के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। लेकिन पिछले साल एक संसदीय समिति ने देश में जबरन धर्म तारण के खिलाफ विधेयक रूप से प्रारूप को खारिज कर दिया। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की एक श्रृंखला चल रही है। जून माह में करीना कुमारी ने कोर्ट में गवाही देते हुए कहा था कि उसका अपहरण के बाद जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव डाला गया और कविता भील और अनीता भील नाम की 3 हिंदू लड़कियों के साथ भी इसी तरह की घटनाएं हों। इससे पहले पाकिस्तान के तत्कालीन धार्मिक मामलों के मंत्री नुरुल हक कादरी ने कहा था कि जबरन धर्म तारण के खिलाफ कानून बनाने का अभी माहौल नहीं है। पाक अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मंत्री ने यहां तक का दावा किया कि जबरन धर्म तारण के खिलाफ कानून देश में शांति भंग कर सकता है और अल्पसंख्यकों को और अधिक कमजोर बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल एक्सप्रेस।